नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं जो बहुत ही हॉट टॉपिक या बहुत ही संगीन टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं अपने पहले मेहमान को बुलाना चाहूंगा जो है सलमान खान फैंस। कैसे आप? ठीक है आप सिद्धू का सपोर्ट करते हैं? जी मैं हमेशा से, मैं बचपन से जब पैदा हुआ था ना जी जी, तब से मैंने बोला था अब मैं और सलमान सेम पेज पे हैं, बस खत्म। चलो सही है। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे दूसरे आज के मेहमान को जो है शाहरुख खान सर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बहुत ही हॉट टॉपिक है, शाहरुख खान आपको कैसे पता है? बस मैं समझ गया क्योंकि वो ही है किंग खान और बॉलीवुड के हीरो और बॉलीवुड के किंग। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? किंग तो आप यकीन माने किंग तो आप किसी को भी बोल दें, लेकिन हम लोग जो कहते हैं उर्दू और हिंदी में शहनशाह बादशाह, पूरी दुनिया का जो कह रहे आप एक सुल्तान वो है सलमान खान। टट्टू मट्टू शाहरुख भाई को आप देखेंगे उनकी एक्टिंग उनकी डांसिंग स्किल्स और बहुत सी चीजें हैं। ये सारे हमले के फैंस यार आप पहले मुझे मेरी बात नहीं नहीं देखिए पेशेंस रखें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। हां बात नहीं होने से पहले आप अपने पहले मैं रिस्पेक्ट बात मुझे मैं रिस्पेक्टफुली कहता हूं सारे हकले के फैन नहीं है। नहीं रुक जाओ आप पर बता पहले हम आपको व्यूज बताने का। तो शाहरुख खान फैंस मतलब शाहरुख खान खुद मेरा मतलब है कि वो कितने जबरदस्त उनकी एक्टिंग उनकी डांसिंग स्किल्स और उनके एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग इट्स सो मैग्निफिसेंट। आपने वो मूवी देखी है अभी जो टाइगर जिंदा है? जी जी। उसमें सलमान खान का आपने डांस देखा है? कुछ नहीं उसने जो वो क्या उसका क्या डांस है वो तो बहुत मुश्किल था। ये स्टेप अच्छा सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप मुझे ये बताएं कि सलमान खान कंपैरेटिवली पास्ट से अगर उनके रिकॉर्ड को कंपेयर करें तो वो इतने अच्छे नहीं रहे, जैसे उनकी बॉडी थोड़ी सी और बल्की। क्या होता है 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ 700 करोड़ सेंस था उस मूवी का। सेंस था। माय नेम इज खान एंड आई एम अ टेररिस्ट। अच्छा एक लाइन भी रुक जाए। क्या जबरदस्त लाइन है लेकिन उसके बावजूद भी एक्टिंग घटिया। अबे जाने तेरे नहीं दे। उनके पास से पास है। आप मुझे ये बताएं कि जो मूवी थी ट्यूबलाइट उसके ऊपर आपकी क्या रिव्यू है? देखें एक मिनट ये बतामीजी कर रहे हैं वो हंस रहे हैं आपको कुछ कह रहे हैं उस कमरे में कोई ट्यूबलाइट नहीं है। मूवी जो है असल में बहुत जबरदस्त है, समझने वालों को समझना चाहिए। जो सलमान खान ने मूवी यू किया है वो आसान था करना, शाहरुख क्या करता है मूवी यू करके खड़ा हो जाता है कर रहा है। मैंने सुना है कि रेस 3 मूवी आई है उसमें सलमान खान ने छत से छलांग लगाई और फैंस के लिए टाटा करते हुए बताए फैंस के लिए एक शख्स ने जिंदगी दांव पे लगा जिसे बोले टाटा अगर मैं जिंदा रहा तो फिर मैं उनके टाटा ये कोई स्टंट हुआ। अब आप मेरा क्वेश्चन बताओ पूछे शाहरुख खान बिल्कुल इनकी मूवी कभी नहीं है सही है। और वो जो सेकंड वाली मूवी कौन सी थी? वो मैंने देखी नहीं तो उस मूवी का बात नहीं करूंगा। चले सही है उसको छोड़े। हेलीमेट सज्जन शाहरुख खान को कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो बॉडी है वो स्टेरॉइड्स के ऊपर। सब कहने की बात है मेरे भाई, आप कभी उनकी जाती जिंदगी में कभी गए? कभी आप उनसे मिले? नहीं मैं मिला। अच्छा हाँ आपकी कब लगा थी? बहुत पहले हुई थी, बता नहीं सकते इतना पहले हुई थी, लेकिन मैं मिला और मैंने उनकी जाती जिंदगी भी देखी। कोई आपने घर मूवी देखी है जफर तुपारी? बताओ ये कोई एक्टिंग होती है? भूत की कुछ भी नशे में धुत तेरे नाम आपको एक्टिंग देखनी है तो तेरे नाम देखे देखे आप वो किरण वाली मूवी देखे। मुझे मूवी का नाम नहीं पता लेकिन उस मूवी में एक किरण थी और उन्होंने एक्टिंग की थी। किरण वाली
किरण वाली, आपने मूवी देखी किरण वाली? नहीं, नहीं, मैं घटिया थे, आप भी नहीं देखते ना, मैं देखता हूँ मुबारक हो, हम दोनों शाहरुख के फैन नहीं है, हम घटिया मूवी देखते नहीं है। आपने रेस्ट भी देखी है? नहीं, मुबारक हो, हम दोनों भी घटिया सलमान की मूवीज ही देखते हैं। देखिए चल सही, एक बात बता दे, आप मुझे कोई ऐसी मूवी बताएं जो ब्लॉकबस्टर फिल्म हो। मैं बताता हूँ आपको, किंग खान, माय नेम इज खान, माय नेम इज दिलवाले, हटा दे इसको, हटा दे इसको, अरे जैसे हटा दे, और हटा दे इसको, फेंक दे इसको, आप सलमान की लिखे, सलमान खान की सबसे पहले, नहीं भाई मैं कह रहा हूँ आप लिखे, आप लिखे ना वीर गति, आप लिखे माय नेम इज, एक मिनट रुक जा, चले इसका डायरेक्ट कंक्लूजन क्या, इसका कंक्लूजन तू मुझे दे, तू मुझे दे, तू मुझे दे, इधर आ, तू तो